गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ प्रियंका पांडे. आई एम फ्रॉम लक्ष्मी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बी एड बाजपुर, एंड माई रोल नंबर इज 1811450068, एंड माई सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड SST. सो स्टूडेंट्स, टूडे वी विल रीड फर्स्ट इंग्लिश एंड देन SST. ओके? यस मैम. गुड. सो I ask some question to you and you will give answer one by one. Yes, ma'am. Name some name of animals. Elephant, giraffe, monkey. Yes. Elephant. Yes. Good. And give the name of elephant animals. Who rides us? Camel. Yes. Camel. And second? Elephant. Very good. And my question number third, how we can take breath? Nose. Very good. And give some name of an elephant. Golu. Yes. Timi. Yes. Monu. Yes. And very good. So today we will read English and our topic is Golu grows our nose. Students, open your books and listen carefully. Yes, ma'am. Long ago, the elephant had no trunk. He had only a curly nose as big as a boot. He could wiggle it from side to side but couldn't pick up things with it. There was a baby elephant called Golu. He too had no trunk but only a curly nose as small as a small wood. Golu was full of questions. He asked his tall aunt, the ostrich, why don't you ever fly like the other birds? So, लंबे समय की बात है जब एलिफेंट की ट्रंक नहीं होती थी. ही हैड ओनली अ पग नोज, उनकी केवल एक भद्दी नोज होती थी. लाइक अ बूट, एक जूते की तरह. देयर वाज अ बेबी एलिफेंट, एक बेबी एलिफेंट हुआ था जिसका नाम था गोलू. एंड उसकी ट्रंक नहीं थी, यानी उसकी सूंड नहीं थी, उसका एक छोटा सा बूट की तरह यहाँ पर नोज था. ओके? यस मैम. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन. गोलू के पास इतने क्वेश्चन होते थे कि हर कोई उसके क्वेश्चन सुन के परेशान हो जाता था. कि उसने अपनी बड़ी आंटी से बोलता है, जो आंटी है उनका आंटी है कौन है, ऑस्ट्रिच. वो व्हाई एवर यू डोंट फ्लाई लाइक द अदर बर्ड, तो आप और बर्ड की तरह क्यों नहीं उड़ सकती हैं, वो ये पूछता है. एंड देन ही आस्क द टॉल अंकल द जिराफ, फिर जिराफ अंकल से पूछता है व्हाट मेक्स यू स्किन सो स्पॉटी, आपके स्किन में इतने स्पॉट स्पॉट क्यों है. सो हर कोई गोलू के क्वेश्चन सुन के बहुत ही परेशान हो जाता है. एंड देन वन डे ही मेट अ पाइथन एंड आस्क हिम, एक दिन उसको एक पाइथन मिलता है एंड वो उससे पूछता है हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, उन्होंने एक क्रोकोडाइल को देखा है. तो कहते हैं व्हाट डस ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है. व्हाट डस ही हैव फॉर डिनर, उसके पास खाता क्या है. वो गोलू को बड़ी इस बात की वो होती है कि वो क्या खाता है. समझ में आया बच्चों? यस मैम. सो नोट डाउन सम डिफिकल्ट वर्ड ऑन योर कॉपी. यस मैम. नोट इट. डिफिकल्ट वर्ड्स. ट्रंक मींस क्रोकोडाइल. रिमेंबर बच्चों, अब हम इन डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे. ट्रंक मींस सूंड, ऑस्ट्रिच मींस शुतुरमुर्ग, मड मींस मिट्टी, रिमेम्बर मींस याद रखना, क्रोकोडाइल मींस मगरमच्छ, ब्रांच मींस शाखा. वेरी गुड. सिट डाउन. आप सब अपनी नोटबुक निकालिए और होमवर्क नोट करिए. सब नोटबुक निकाल ली? यस मैम. नोट योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द नेम ऑफ बेबी एलिफेंट. Question number 2, who caught the nose of Golu?
क्वेश्चन नंबर थ्री, हु हैज गोलू ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नोट डाउन। बच्चों सबका नोट हो गया? यस मैम। कल मैं आपकी होमवर्क चेक करूंगी। तो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, उपविषय है भूगोल, और अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं बच्चों? 8 ग्रह। वेरी गुड। और हम किस ग्रह में रहते हैं? पृथ्वी। वेरी गुड। अब ये बताइए हमारी पृथ्वी कैसे बनी है। चलिए तो आज हमारा प्रकरण है हमारी पृथ्वी के अंदर, आज हम अपनी पृथ्वी के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबने अपनी बुक्स खोल ली? यस मैम। तो सब ध्यान से देखेंगे? यस मैम। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है और इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। हमारी पृथ्वी का जो अंदर का भाग है वो एक प्याज की भांति है। हमारी पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह में जो सबसे ऊपर का साइड जो है उसको परपट्टी कहते हैं। यहाँ सबसे पतली परत होती है और ये सिलिका और एलुमिना से खनिजों से बनी हुई होती है। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। इसे सीमेंट, सिलिका और मैग्नीशियम भी कहा जाता है। परपट्टी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई में होता है और उसकी सबसे आंतरिक परत को क्रोन कहते हैं। ठीक है बच्चों? यस मैम। जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर होती है। यहाँ मुख्यतः निकेल और लोहे की बनी हुई होती है तथा इसे निकेल और फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोन का तापमान काफी दाब उच्च होता है। तो बच्चों पृथ्वी एक कैसा ग्रह है? पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। कैसा ग्रह है? गतिशील। और पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपट्टी। वेरी गुड। सब ध्यान से देख रहे हैं? यस मैम। ओके, इसे समझेंगे। ये हमारी पृथ्वी है, ये स्थल मंडल जहाँ जीव जंतु रहते हैं। ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। ये देखो सबसे आंतरिक भाग जो है इसको क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड। और ये बाहरी भाग को क्या कहते हैं? परपट्टी। परपट्टी। समझ में आया? यस मैम। ओके, तो अब आप अपना होमवर्क नोट। पृथ्वी एक कैसा ग्रह है? क्वेश्चन नंबर टू, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर तीन, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? ये तीनों क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट करिए और कल मैं आपका होमवर्क चेक करूंगी। यस।